बिग बॉस 14 को शुरू हुए अब 12 दिन हो गए हैं। शो में जहां पहले सीनियर्स और फ्रेशर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, वहीं पहले वीकेंड का वार के बाद घर के हालात बदल गए हैं। सलमान खान की सीख के बाद अब हर फ्रेशर अपना खुद का आउटपुट देता नजर आ रहा है। सारा गुरपाल पहले एविक्शन में घर से बाहर हो गई हैं। ऐसे में कोई भी दूसरा फ्रेशर अब इतनी जल्दी शो से बाहर नहीं होना चाहता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक के खेल में निकी तंबोली सबसे ज्यादा निखर कर आई है। यही कारण है कि उन्हें इम्यूनिटी भी मिल गई है, लेकिन पारस छाबड़ा का कुछ और ही मानना है। बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा का कहना है कि निकी तंबोली कुछ नहीं कर रही, वो बस एक एक्स कंटेस्टेंट को कॉपी कर रही है। हालांकि पारस छाबड़ा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हम जानते हैं कि वो शहनाज गिल की बात कर रहे हैं। पारस का कहना है कि निकी तंबोली बस क्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं। जब पारस से शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्या और जान कुमार सानू के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हर किसी के बारे में भी अपनी राय दी। पारस छाबड़ा ने एजाज खान और पवित्रा पूनिया के बीच पनप रहे प्यार पर एजाज खान को सलाह दी है। पारस की यह सलाह इसलिए भी है क्योंकि वह पहले पवित्रा पूनिया को डेट कर चुके हैं। दोनों का बाद में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन बिग बॉस से ठीक पहले पवित्रा पूनिया ने अपने इंटरव्यूज में यह कहा कि पारस छाबड़ा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बाद में पारस छाबड़ा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जब पवित्रा पूनिया उन्हें डेट कर रही थी, तब वह पहले से शादीशुदा थी। तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की। तो एक्स जैसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी। उसकी जो मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब। तो वो ठीक था, मुझे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है। क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी दो बारी एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा। जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त फिलहाल। एजाज को मैंने स्टार्टिंग में दो दिन देखा, मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है, तो विच इज़ ग्रेट। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए। एक लव एंगल निकल रहा है एजाज पवित्रा के बीच में। अगर ये लव एंगल निकल रहा तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी जिंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो जिंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा। तो ये पवित्र से अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा। इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे, और काफी अच्छा काम करते हैं, काफी नोन है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जान कुमार सानू, राहुल वैद्या। राहुल वैद्या इज अ ग्रेट सिंगर, हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है। और मैं राहुल वैद्या को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है, लेकिन घर पर जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए। और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा। उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा। पर वो जो वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली में वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए, लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी। सो दैट वॉज अ थिंग, वो अपने लिए बात करी थी, दूसरों के लिए नहीं।